आज विराटनगर शहर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सन्माननीय आयुक्त साहेब अजीत शेख सर इनकी संकल्पना से इसी प्रकार सन्माननीय अतिरिक्त आयुक्त सर जमीर लेंगरेकर साहब, उपायुक्त माननीय उपायुक्त आरोग्य सार्वजनिक इनके मार्गदर्शन में यहाँ पर सहाड़ से लेकर नीलकंठ मंदिर तक इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा है इस मुहिम के अंतर्गत सफाई अभियान यहाँ पर चलाया गया है। इस सफाई अभियान में समाज सेवक श्री राजू तेलकर जी, एनजीओ मैडम सायडे मैडम, इसी प्रकार सेवा सदन कॉलेज और वेदांता कॉलेज और कॉलेज के एनएसएस के विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। इस स्वच्छता मुहिम के माध्यम से हमने ये रोल की साफ सफाई की है और पूरे शहर को ये बच्चों के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से अपने शहर को स्वच्छ रखने के बारे में लोगों को बताया है। और जो डोर टू डोर सेग्रीगेशन है, जहाँ कचरे की उत्पत्ति होती है, जहाँ कचरा निर्माण होता है घर घर से, वहाँ ओला और सूखा कचरा नागरिकों ने अलग करके महानगर पालिका की जनता गाड़ी को देना चाहिए। विद्यार्थियों के माध्यम से आज शहर को हमने ये मैसेज दिया है और अपना शहर स्वच्छ रहे ये नागरिकों में आज के हमने जनजागृति अभियान भी लिया है। धन्यवाद। दीक्षित एनएसएस यूनिट ऑफ वेदांता कॉलेज के प्रोग्राम ऑफिसर, मैं उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि स्वच्छता ही सेवा इस अंतर्गत जो हमने स्वच्छता अभियान किया शहाद स्टेशन से लेकर नीलकंठ मंदिर तक, हमारे वॉलंटियर्स ने कुल 30 से 40 वॉलंटियर्स हमारे इस कार्य में सहभागी हुए थे और उन्होंने अपना पूरा योगदान इस कार्यक्रम में दिया है। और एक दिन नहीं, हर दिन हमें सफाई रखनी चाहिए, इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और जो भी कचरा आपके घर में होता है उसे गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखो, ताकि जो लोग हैं जो इस कार्य को करते हैं उनको ये आसानी हो और जो भी कचरा है वो अच्छे से साफ हो पाए और लोगों को अच्छे से मदद मिल पाए आपके कार्य में। धन्यवाद। आज महानगर उल्लासनगर महानगर पालिका तर्फे स्वच्छ भारत अंतर्गत स्वच्छता लीग ची सुरुवात करण्यात आली आहे। कलानी कॉलेज, वेदांता कॉलेज, सेवा सदन कॉलेज असे सगळ्या कॉलेजने मोठ्या आवर्जून स्वच्छता ड्राइव व रैलीमध्ये सहभाग घेतला व आज आम्ही शहर उल्हासनगर शहरवासियांना पण आम्हाला एक विनंती आहे की आपल्या घरातला कचरा, निघणारा कचरा, ओला कचरा, सुका कचरा व जैविक कचरा हे वेगवेगळा करून द्यावे, जेणेकरून महानगरपालिकेचे कर्मचारी यांना हा कचरा वेगवेगळा करता येईल व ओल्या कचऱ्याचं खत बनवण्यात येईल, सुका कचरा हा रिसायकल येईल व जैविक कचरा हा डिस्ट्रॉय करण्यात येईल, जेणेकरून आपलं शहर झिरो गार्बेज आपण करू शकू व या प्रतियोगितेमध्ये आपण भाग घेता येईल।